हेलो गाइस, तो कैसे हो यार आप सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग एकदम बढ़िया से होंगे। तो गाइस, एक बार फिर से मैं और भैया जैक आपका स्वागत करते हैं माइनक्राफ्ट की सर्वाइवल सीरीज में। तो जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि पिछले पार्ट में हम लोगों ने एनिमल फार्मिंग की थी, जो कि मुन्ना काफी मुश्किल का काम था। ओए हाँ यार भैया, काफी मेहनत लग गई थी यार। तू मेहनत की बात करता है, पसीने छूट गए थे मुन्ना, तुझे याद नहीं क्या? पता नहीं हमारे एनिमल्स कितने बार सबसे पहले नीचे से ऊपर गिर के मर गए थे। ओए हाँ यार भैया, वो तो है। लेकिन भैया आखिरकार मेरा वाटर वाला आइडिया काम आ गया। और तेरा आइडिया? ओ मुन्ना दिमाग मत खराब किया कर, कभी कभी ना तुझे भी तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा। ए भैया, लेकिन हो क्या गया यार? ओए तेरा आइडिया नहीं, तेरे भैया का आइडिया था। ओए हाँ यार भैया, आपका आइडिया चाहे मेरा आइडिया, सब भैया एक ही बात तो है ना यार। चलिए भैया नाराज मत होइए, चलिए स्विमिंग पूल में नहाते हैं तो भैया सारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा। ओए तो चल मारते हैं ना जाओ। ए भैया यार, क्या बात है यार, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। गाना आए ना आए, गाना जरूर चाहिए। ओए चल ठीक है, वैसे मुन्ना गर्मियों में ठंडे ठंडे पानी के नहाने को मजा ही कुछ अलग होता है। ओए हाँ भैया वो तो है, लेकिन हम लोग को देर तक भी नहाना नहीं चाहिए, नहीं तो भैया सर्दी लग जाएगी यार। चलिए भैया, ये देखिए हम लोग का एनिमल फॉर्म। वैसे मुन्ना हरियाली चारों तरफ फैल चुकी है। ओए हाँ भैया वो तो है, देखिए भैया ग्रास चारों तरफ सेपरेट हो चुकी है। बस भैया थोड़ी सी और जगह है, उधर भी सेपरेट हो जाएगी, तब तो भैया एकदम ग्रीन ग्रीन गार्डन टाइप का लगेगा। और वो तो है। वैसे भैया यार, सीप्स भी हमारे पास काफी सारी है यार। मुन्ना मीन को बहुत सारा ब्रीडिंग करवाना है, बहुत सारी सीप्स होनी चाहिए, बहुत सारी काउज होनी चाहिए। ओए हाँ भैया चलिए ठीक है। चलिए भैया जल्दी से इनके लिए खाना लेकर आते हैं यार, पता नहीं कितने दिनों से नहीं खाया होगा। और जैसे एक को तोड़ दो शायद मुर्गी निकल आए। भैया नहीं निकलेगी, आपकी किस्मत हमेशा खराब रहती है। और वो तो है ये मुन्ना। चल ठीक है, अब जल्दी से इनके लिए मुन्ना जल्दी से वीट लेकर आते हैं और इनकी ब्रीडिंग कराते हैं, ताकि मुन्ना इनकी जनसंख्या ना एकदम बढ़ जाए। ओए हाँ भैया वो तो है। तो चलिए भैया मैं जल्दी जल्दी वीट निकाल लेता हूँ, उसके बाद भैया आप लगा दीजिएगा जरूर, और रुकजा भी लगा देता हूँ, टेंशन किस बात की। ओए ओए कहाँ गए सीड है भैया? हाँ तो मैं इतने सारे सीड है, पूछ रहे हैं कहाँ गए सीड है भैया, आप अच्छा मजाक कर लेते हैं यार। ओए चल बकवास बनकर मुझे सीड लगाने दे। ओए ओए ये ले, सीड भी लग चुका है। हे भैया इधर की जमीन खराब कर दी आपने। ओए चल बाद में सुधार देंगे, चल पहले उनको मुन्ना ब्रीडिंग करा के आते हैं, उनको खाना खिला कर आते हैं। ओए हाँ भैया चलिए ठीक है यार। एक मिनट भैया, मैं बच्चे कुछ सीड रख देता हूँ। ओए चल सीड रख दिया ना, अब कराते हैं ब्रीडिंग। ओए काऊ जल्दी जल्दी आ जाओ, खाना मिल रहा है। ओए कहाँ है खाना? ओए ये रहा खाना ही खाना है। क्या रे बिल्लू, खाना दे मुझे। ओए ये ले, मना कब किया है? ओए तू कहाँ घूम रही है, जल्दी खाना खा ले। ओए खिला दिया खाना। ये लो नन्हे मुन्ने राइयो, तरक्की के सिपाही। ओए हे भैया चलिए, काऊ को तो खाना खिला दिया, अब भैया सीप की बारी। सीप से यार सभी लोग आ जाओ यार, आगे यार सबको खाना खिलाएगा। और जब मुन्ना सबको बारी बारी से आने दे, बहुत भसड़बाजी मच चुकी है। हे भैया कोई बात नहीं, मैंने सबको खिला दिया। और अभी मुन्ना इनके बच्चे भी आएंगे, ये देख छोटे छोटे बेबीज आ गए। और भैया तुम लोग को सिपाही बनना है, जंग मेरे साथ बाद में लड़ना पड़ेगा वेदर के साथ। हे भैया वेदर को इनसे लड़ाएंगे यार, अब भी ना भैया पता नहीं कैसा कैसा मजाक करते रहते हैं। और चल ठीक है, नहीं लड़ाऊंगा। ओए देख मुन्ना, काफी सारे हम लोग के एनिमल्स हो चुके हैं। ओए हाँ भैया वो तो है। चलिए भैया मैं ब्रेड भी बना लेता हूँ अपने खाने के लिए यार, क्योंकि भैया खाने की कमी है इस समय। ओए दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए भैया यार अब खाना भी बना लिया। और भैया मैंने कुछ सामान वगैरह भी ले लिया है। ओए क्या करना है आज के दिन मुन्ना? हे भैया मैं सोच रहा था आज के दिन हम लोग अपनी खुद की एक माइन बना लेते हैं, क्योंकि भैया अब डायमंड वगैरह माइन करने का समय आ चुका है यार। और मुन्ना इतनी जल्दी डायमंड माइन करेंगे? हाँ यार भैया बहुत सी चीजें करनी है यार, भूल गए क्या? सर्वाइवल सीरीज है, बहुत लंबा सर्वाइव करना पड़ता है भैया। ओए मुन्ना वो तो है, डायमंड और आयरन के बिना कुछ है ही नहीं है। ओए भैया बाहर का माहौल क्या चल रहा है? ओए बाहर के माहौल में ज़ॉम्बी चल रहे हैं और हमारे पास भी आ रहे हैं। हे भैया चलिए उनको छोड़े ना, हम जल्दी जल्दी टूल्स बनाते हैं, उसके बाद हम लोग भैया एक अपनी खुद की ओन माइन बनाएंगे, जो कि भैया बहुत बड़ी माइन होगी एकदम भैया, और एकदम बेड रॉक को चीरते फाड़ते जाएंगे। और मुन्ना बेड रॉक को नहीं तोड़ा जा सकता। हाँ भैया वो तो है। ओए चल मुन्ना, अब सामान वगैरह तो ले ही लिया है, तो चलिए भैया स्टार्ट करते हैं माइनिंग, यही से कर देते हैं। ओए रुक जा मुन्ना, इधर मैं एक प्लेट लगा देता हूँ, ताकि मुन्ना हम लोग का रास्ता तो रहेगा ही ना। हाँ भैया अभी नीचे एक रूम भी बनाना है यार, ताकि भैया हम लोग माइनिंग का सामान उसी रूम में रख सके यार। ओए वैसे बात तो सही कह रहा है। वो तो है भैया, मैं बात एकदम सही हमेशा ही कहता हूँ। ओए चल अपनी तारीफ बहुत कर ली, चल पहले ओए ये क्या सीढ़ियां तो भूल ही गया। ओए
हे यार भैया, अब बिना सीढ़ियां भूल जाते हैं। ओए भैया, नहीं भूला तो खुद ही भूल गया। ओए पता नहीं था कि अगर नीचे रूम बनाएंगे तो सीढ़ियां तो लगेगी ही। ओए हे भैया, चलिए ठीक है यार, चिल्ला क्यों रहे, बना लिया सीढ़ियां। ओए चल ठीक है। ओए बाहर क्या माहौल है, वैसे मतलब रात हो रही है, सो के चलते हैं सुबह माइनिंग पर। ओए हाँ भैया, वैसे सही कहो। चलिए भैया, गुड नाइट यार। ओए गुड नाइट। हे भैया, गुड मॉर्निंग यार। ओए चल, गुड मॉर्निंग छोड़, आज मुन्ना खुद की ओन माइन बनानी है, भूल गया क्या? हाँ भैया, नहीं भूला यार। चलिए भैया, अब चलते हैं माइनिंग, एक और लंबे सफर पर। भैया माइनिंग का काम कितना बोरिंग होता है ना यार। और मुन्ना, मुझे बोरिंग नहीं लगता, क्योंकि मुन्ना का माइनिंग करते करते कभी कभी इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ें मिल जाती हैं, उनको देखने में मज़ा ही आ जाता है। ओए जैसे कि मुन्ना डायमंड मिल जाता है तो कितनी खुशी होती है अंदर से। हाँ भैया वो तो है यार, डायमंड मिलने का मजा ही कुछ अलग होता है माइनक्राफ्ट में। और मुन्ना उतने में ही कोई माइनशाफ्ट वगैरह मिल जाती है, तब तो मुन्ना और भी ज़्यादा मजे आ जाते हैं, क्योंकि मुन्ना तुझे पता है ना, माइनशाफ्ट में तो खजाना ही खजाना रहता है। ओए हाँ भैया यार, खजाने से तो माइनशाफ्ट भरा होता है यार। चलिए भैया माइनिंग करते हैं, शायद अपने घर के पास ही कोई माइनशाफ्ट मिल जाए भैया। ओए मुन्ना, इतनी किस्मत तो हमारी कभी अच्छी हुई नहीं है। ओए ओए रूम तो बन गया, अंधेरा बहुत है। हे भैया एक मिनट, में टॉर्चेस लगा दे रहा हूँ यार। ये लीजिए भैया, आ गया उजाला। ओए उजाला आ गया, अब चल मुन्ना, अब अपनी माइन बनाते हैं। ओए हाँ भैया, रूम तो वैसे बढ़िया बन गया। ओए रूम बढ़िया क्या है, बढ़िया एकदम ठीक ही बनाया है। चल मुन्ना, चेस्ट वगैरह तो रख ही देंगे ना। हाँ भैया, चेस्ट वगैरह रखने के लिए बनाया है। कौन सा हम लोग मॉडर्न रूम बना रहे हैं। A few moments later. ओए चल मुन्ना, 1 2 3 3 2 4। हे भैया, इस डायलॉग को बोलकर आप मुझे कर देते हैं बोर। ओए तू तो राइमिंग बोल गया, लेकिन मुन्ना बहुत घटिया राइमिंग बोला। ओए हे भैया, चले ठीक है ना यार, मैंने मजाक ही किया है। ओए मजाक ही तक रहना भी मुन्ना। ओए हाँ भैया, चले ठीक है ना यार। चलिए भैया, मैं आपको एकदम बेहतरीन चीज बताता हूँ माइनिंग करने के लिए। भैया बस यहाँ पर आपको 3 ब्लॉक माइन करना है, बस भैया इसी तरह से धीरे धीरे नीचे चले जाना है, उसके बाद भैया हम लोग की माइन बनती चली जाएगी। ओए मुन्ना तू मुझे सिखा रहा है, तो लगता है मुन्ना भूल गया है, फर्स्ट सीजन में मैं भी तेरे साथ खेला था। ओए हाँ यार भैया, याद ही नहीं था। मुझे लगा भैया आपको बताना सही रहेगा। ओए चल ठीक है, मुझे भी पता है 3 ब्लॉक को माइन करना है, उसके बाद मुन्ना माइन बनती चली जाएगी। ओए हाँ भैया, वही तो मैं भी बोलना चाहता था। ओए तो मैं भी तो वही बोल रहा हूँ कि फर्स्ट सीजन में मैंने भी खेला है, ये चीजें मुझे भी पता है। ओए हे भैया, चलिए कोई बात नहीं, मिलकर माइन करेंगे और भैया एक अच्छी माइन बनाएंगे। उसमें भैया डायमंड होंगे, आयरन होंगे, सब कुछ भैया एक ही माइन में होगा। ओए मुन्ना अभी तो फिलहाल कुछ ही नहीं मिल रहा। ओए मिल जाए तो मुन्ना अच्छा ही ना हो। ओए हे भैया, अभी तो शुरुआत है यार। जैसे जैसे नीचे जाएंगे उसके बाद भैया हम लोग को आयरन मिलेगा, डायमंड मिलेगा, सब कुछ मिलेगा भैया। ओए चल ठीक है, पहले माइन पर ध्यान दे, इस अपनी ख्याली खिचड़ी को बाद में पकाना। ओए हे भैया, माइन ही तो कर रहा हूँ यार। अभी ना भैया, हे भैया ये क्या किया भैया, ये उजाला आ गया। ओ ये कहाँ का उजाला है। हे यार भैया, किसी माइन में भैया, यार ये क्रीपर कहाँ से आ गया यार। ओए मुन्ना मैं तो डर ही गया, पीछे आ रहा है। ओए ये क्या, पीछे तो आ ही रहा है मुन्ना। ए भैया जल्दी ऊपर भागे यार। ओए भाग ही तो रहा हूँ। ए भैया जल्दी बंद करिए। ओए ये ले बंद कर दिया। ओए मुन्ना बाल बाल बच गए। हे यार भैया, ये वहाँ क्या कर रहा था। ओए पता नहीं, मैं क्या जानू, जाके उससे पूछ करा वहाँ क्या कर रहा था। हे भैया चलिए, उसको एक ब्लॉक तोड़ कर इसको मार देते हैं यार। ओए मुन्ना, इसकी तो बैंड बजाऊंगा ही। ओए रुक जा, अब इस ब्लॉक कटाता हूँ, यहीं पर है क्या। हे भैया यहीं पर है यार, कहीं नहीं गया। ओए आजा नमूने, अब नहीं छोड़ूंगा। ओए आइला जादू। ओए तू चाहे जादू हो चाहे कुछ भी हो, बड़ा आया जादूगर। ये ले हे भैया, एक तलवार और मारिए चला जाएगा। ओए ये ले, नहीं गया। हे भैया अब जाएगा, ये देखे भैया निपट गया ना। ओए चल मुन्ना, जादू तो निपट गया, अब हम लोग को माइनिंग पर ध्यान देना चाहिए। हे भैया लेकिन हम लोग आ कहाँ गए यार। ओए मुझे क्या पता, पता नहीं कौन सी माइन में कूद कर आ गए। हे भैया यार ये तो, हे भैया एक और क्रीपर यार, पता नहीं कितने सारे हैं। ओए मुन्ना ये तो मुझे डरा ही दे रहे हैं बार बार। ओए अब नहीं छोड़ूंगा। हे भैया हम लोग को डायरेक्ट जाना चाहिए और इनके ऊपर हमला करना चाहिए। ओए चल बहुत हो गया, तोड़ दिया ब्लॉक, अब भाग मुन्ना बाहर की ओर। हे भैया अभी उजाला है। हे भैया ये क्या यार, उधर तो दो दो क्रीपर है। ओए मुन्ना अभी तो एक ही आ रहा है। हे भैया उसके पीछे भी एक। ओए ये ले फट भी गया। हे भैया दूसरा कहाँ चला गया यार। ओए तेरा वहम होगा, चल पहले इधर टॉर्चेस लगाने दे, बहुत अंधेरा है मुन्ना। हे भैया मकड़ी अभी है यार।
और मन्ना मकड़ियों से इतना डर नहीं लगता जितना क्रीपरों से लगता है, पता नहीं कहीं भी किसी समय फट जाते हैं। ओए हाँ भैया वो तो है। हे मकड़ी ऊपर क्या कर रही है, ये ले नहीं छोड़ूंगा। ओए चल मुन्ना बहुत बढ़िया। ओए हड्डियों की भी आवाज आ रही है। ओए चिकन तू यहाँ क्या कर रही है। हे भैया कौन मार रहा है यार। ओए हड्डी मारो, ये रुक जा, ये ले तोड़ दूंगा। बच गए भैया। हे भैया पीछे भी है यार। ओए ये कहाँ से आ रहे हैं, मुझे तो आज समझ भी नहीं आ रहा। ओए और रुक जा मुंडा, पहले हेल्थ फुल करने दे। भैया फिर से बाल बाल बच गए। ओए बचे कहाँ दे, पहले हेल्थ फुल करने दे, पता नहीं अभी कितने जॉम्बी हैं। ओए हाँ यार भैया बात तो सही कह रहे हैं यार। हे यार भैया ये जगह मुझे कुछ जानी पहचानी से लग रही है। ओए कैसी जानी पहचानी से लग रही है। हे भैया अपने उधर डर्ट के ब्लॉक देखे क्या यार, वो हमारे लगाए हुए थे। ओए चल ठीक है, आए होंगे कभी। चल पहले माइनिंग पर ध्यान देते हैं और यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि मुन्ना रात भी होने वाली है और रात को जानता है ना कि उसमें कितने सारे जॉम्बी स्पॉन होते हैं। ओए हाँ यार भैया ये भी बात आपकी सही है। चलिए भैया फिर मुश्किल वक्त कमांडो सेट भैया माइनिंग पर ध्यान देते हैं। ओए आयरन मिल गया मुन्ना, लूट लेते हैं। ओए हाँ यार भैया आयरन पहली बार नहीं मिला यार। लूटने में क्या देरी भैया, अभी तो हम लोग को एकदम नीचे तक माइन करना है। ओए पहले आयरन को माइन करने दे, कम से कम मुन्ना कुछ ना कुछ मिला ही तो। ओए हाँ भैया चलिए ठीक है यार। भैया हम लोग को इसी जगह डायमंड मिल जाता कितना मजा आता ना। ओए मुन्ना डायमंड इतनी ऊंचाई में कैसे मिल जाएगा, और नीचे जाना पड़ेगा। हाँ भैया ये भी बात सही है। तो चलिए भैया माइनिंग करिए ना यार, पता नहीं भैया आप भी आयरन वगैरह के पीछे पड़ते हैं। ओए मुन्ना मैंने तुझे पहले ही बोला ना, आयरन और डायमंड दोनों मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। ओए हाँ यार भैया मुझे भी पता है। चलिए भैया फिर करते हैं आयरन और डायमंड की माइनिंग। ओए वही तो कर रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ। ओए भैया यार वैसे जॉम्बियों की आवाज आ रही है। ओए मुन्ना जॉम्बियों कुछ ज्यादा ही तेज नहीं आवाज हो गई क्या, और ये पानी कहाँ बह रहा है। ओए हे भैया मुझे तो लगता है अगल बगल कुछ गड़बड़ है। ओए अगल बगल क्या गड़बड़ है। हे भैया माइनिंग करते जाइए यार, शायद हम लोग को कुछ अच्छा मिल जाए यार, मुझे तो भैया ऐसा ही महसूस हो रहा है। ओए तुझे महसूस हो रहा है, सच बोल दे। हाँ भैया सही बोल रहा हूँ यार, देखिए भैया पानी की आवाज आ रही है। हे भैया ये कौन सी लाइट है यार। ओए ये कहाँ पहुँच गए। ओए मुन्ना ये कैसे ब्लॉक चमक रहा है इधर तो। हे यार भैया मैंने बोला था ना अगल बगल भैया कुछ अच्छा है यार, शायद भैया हम लोग का कोई माइनक्राफ्ट भैया अगल बगल है यार। ओए मुन्ना तुझे लगता है क्या माइनक्राफ्ट होगी अगल बगल। हे भैया पूरी तरह श्योर नहीं हूँ यार कि भैया माइनक्राफ्ट ही है, लेकिन भैया कुछ तो होगा यार, क्योंकि भैया पानी की आवाज और भैया जॉम्बी की आवाज भैया एक ही जगह आती है। ओए मतलब कि मुन्ना माइनक्राफ्ट है हमारे अगल बगल। ओए मतलब कि खजाना भी। हाँ भैया ढेर सारे डायमंड भी भैया, लेकिन मुन्ना वहाँ पर खतरा बहुत रहता है। हे भैया तो हर खतरों से जीतना हमारा काम, क्योंकि भैया हम लोग खतरों खिलाड़ी है। ओए खतरों खिलाड़ी जो, चल पहले आगे बढ़ते हैं। ओए हे भैया इधर साइड में माइन करिए यार, जरा देख लिया जाए इतना सारा पानी कैसे बह रहा है। भैया सच में कोई माइन साफ ना हो। ओए रुक जा फिर करता हूँ। ओए कहाँ से आ रहा है पानी। ओए ये क्या मुन्ना ये पानी आ गया। हे भैया मैंने बोला था ना अगल बगल कुछ पानी वगैरह बह रहा है। ओए मुन्ना जॉम्बियों की आवाज बहुत तेज आ रही है। ओए हे भैया जॉम्बी भी आस पास है। और भैया हम लोग कोई माई। भैया ये क्या यार, और मुझे क्या पता क्या है। ओए मुन्ना वो कैसा चमक रहा था। हे यार भैया ये तो मुझे लगता है मैग्मा ब्लॉक लग रहा है। ओए मैग्मा ब्लॉक लग नहीं रहा, वही है। ओए हाँ यार भैया मैंने बोला था ना मैग्मा ब्लॉक है। मतलब भैया हम लोग आ कहाँ गए यार, मुझे तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा। ओए पहले इसे बंद करने दे, बहुत इरिटेट कर रहा है ये पानी। ओए और आगे बढ़ते हैं तभी कुछ समझ में आएगा। ओए मुझे तो लगता है भैया हम लोग को बहुत जल्दी कुछ अच्छा मिलने वाला है। ओए मुन्ना तेरे मुंह में घी शक्कर। ओए चल मुन्ना अब इधर देख ही लेते हैं, बहुत हो गया, क्योंकि मुन्ना पानी चारों तरफ से बह रहा है, कुछ ना कुछ तो होगा ही। ओए हाँ भैया वो तो आगे बढ़ने पर पता चलेगा। लेकिन भैया यार हम लोग भूलिए ना, हम लोग पानी में है, मतलब भैया सांस जाने का डर रहेगा। ओए मुन्ना सांस को कंट्रोल कर लेंगे थोड़ी देर, लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़कर देख कर आते हैं कि आखिर आगे है क्या है। ओए हाँ भैया चलिए बढ़कर आते हैं। ए भैया इधर तो पानी है। ओ ये जगह कहाँ जा रही है। हे भैया यार ये तो आगे अंधेरा ही अंधेरा है भैया, कुछ दिख नहीं रहा। और टॉर्चेस भी नहीं लग रही, क्योंकि मुन्ना इधर चारों तरफ पानी है। ओए हाँ यार भैया पानी पानी। ए भैया यार आगे तो बंद है यार। ओए मतलब पोपट हो गया। ए भैया भागे यार, सांस जा रही है। ओए भूल ही गया था। ए भैया जल्दी निकलिए यार, बहुत डैमेज हो रहा है। ओए निकल आए बच गए। ओए इसको बंद करते हैं, बाद में देखेंगे कि इधर है क्या। ओए पहले नीचे की ओर चलते हैं। हाँ यार भैया टाइम वेस्ट हो गया।
लेकिन भैया मुझे लगता है कुछ ना कुछ तो है यार। वो तो मुझे भी लगता है, चल मुन्ना किसी दिन और आएंगे। ओए ओए ये क्या रेड स्टोन मिल गया है भैया, माइन कर लीजिए यार। कुछ ना कुछ तो फायदा देगा ही। ओए चल मुन्ना कम से कम रेड स्टोन तो मिला। ओए ओ ये क्या आ गया भैया, ये कौन सा कीड़ा आ गया? ओ ये कीड़ा नहीं, ये नमूना है। ओए हे भैया यार ये तो मारे ही जा रहा है। ओए रुक जा, इसको तेरा भैया तोड़ेगा। ये ले ओए मुन्ना, पाई उसने एक तलवार और पाएगा। ये ले ओए ये क्या बहुत ज्यादा डैमेज देता है ये तो। हाँ यार भैया खतरनाक बहुत होते हैं। चलिए भैया इसको तो मार दिया। भैया और भी होंगे, ध्यान रखिएगा। ओए मुन्ना एकदम एवर रेडी रहता है तेरा भैया इन नमूनों के लिए। ओए चल खाना खाते हैं, हेल्थ बढ़ाते हैं। वैसे मुन्ना हम लोग बेड रॉक तक तो आ गए हैं, लेकिन हम लोग को कुछ मिला नहीं है। ओए हाँ यार भैया मिला तो अभी नहीं है, लेकिन भैया बेड रॉक तक पहुंच गए, यही बहुत बड़ी बात है यार। कम से कम भैया हम लोगों ने बेड रॉक तक तो पहुंच गए। पहले इधर एक रूम टाइप को बना देते हैं तो कुछ समझ में आएगा। लिए भैया सबसे नीचे भी एक रूम बना ही दिया है। और भैया थोड़ा सा इधर उजाला कर देते हैं, अंधेरा काफी है। ओए मुन्ना ये ले, ओए मुन्ना ये पानी बहने की आवाज और ज़ॉम्बी की आवाज लगातार आ रही है मुझे। हाँ भैया मैं बोल रहा हूँ ना यार, इधर आसपास भैया कोई माइनक्राफ्ट मुझे लग रही है। ओए मुन्ना हो सकता है कोई स्पॉनर भी तो हो सकता है, जैसे कि स्केलेटन का स्पॉनर, ज़ॉम्बी का स्पॉनर। ओए लेकिन भैया स्पॉनर तो माइनक्राफ्ट में भी तो होता है ना। ओए वो तो मकड़ियों का होता है माइनक्राफ्ट में। ओए हाँ भैया वो तो है। चलिए भैया देखेंगे यार कि क्या होता है कि माइनक्राफ्ट होती है कि भैया कोई स्पॉनर होगा। दोनों ही भैया मिल जाएगा तो भैया खजाना तो मिलेगा ही ना। और वैसे कौन से लेवल पर है भैया, ये तो घेरवा लेवल है। कहाँ तक माइन किया हम लोगों ने वैसे? ओए देखता हूँ। ओए मुन्ना हम लोग 5 लेवल तक आ गए। ओए यार भैया काफी नीचे आ गए। और भैया 11 लेवल पर आपको पता है ना डायमंड वगैरह मिलता है। ओए मुन्ना वैसे बात सही कही है। ओए डायमंड की माइनिंग मुन्ना हम लोग को करना शुरू कर देना चाहिए। हाँ भैया अब लगता है शुरू करनी ही पड़ेगी डायमंड की माइनिंग। ओए आ गए ऊपर, चल मुन्ना मैं थक गया, गुड नाइट। गुड नाइट भैया। ओए मुन्ना सुबह हो गई। हाँ भैया गुड मॉर्निंग यार। भैया कल तो माइनिंग में काफी थकान हो गई यार। ओए मुन्ना अब हम लोग को डायमंड माइनिंग पर चलना चाहिए, क्योंकि मुन्ना तुझे पता है ना 11 लेवल पर डायमंड मिलते हैं। और भैया डायमंड माइनिंग के साथ साथ भैया शायद हम लोग को स्पॉनर या माइनस्टार भी मिल जाए, तब तो भैया खजाना ही खजाना मिलेगा यार। बिल्कुल सही मुन्ना, उसको लेकिन अगले पार्ट में करेंगे। ओए हाँ भैया, तो गाइस यार आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो उसको भी सब्सक्राइब कर देना। ओए तो गाइस तब तक ले यार सभी को टाटा बाय बाय।